Good morning, classmate. This will be your fifth lecture of chapter first, practice 1.2. बेटा 1.2 जो आपकी practice है, वो overall rational numbers की addition और subtraction पर based है. तो उसके लिए जैसे multiplication की कुछ properties थी, similarly आपके rational numbers में addition की भी कुछ properties होती हैं. तो वो properties क्या होती हैं? तो addition कैसे करते हैं? वो हम बताएंगे आपको. But first of all आप properties लिख लीजिए. Properties of addition. Properties of addition of rational numbers. ठीक है. तो सबसे पहली property जो आपकी है, that is called closure property. आंसर आपका वही
जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वही डिजिट आती है, सॉरी तो आपका आंसर जीरो ही आता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जब आप जीरो से ऐड किया तो आप जीरो को किसी रैशनल नंबर में ऐड करिए या किसी रैशनल नंबर को जीरो में ऐड करिए, आंसर आपका वो रैशनल नंबर को ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी ये कहती है ए सी अपॉन डी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर ए अपॉन बी देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर का नेगेटिव है या रैशनल नंबर या एक्टिव इनवर्स है, नेगेटिव बोलिए एक्टिव इनवर्स बोलिए, तो हमेशा उस रैशनल नंबर उसके एडिटिव इनवर्स का जो सम होगा वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। सिमिलरली सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका होमवर्क ये है, प्रॉपर्टीज को आपको आपकी फेयर कॉपी पर नोट डाउन करना है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर इज फिनिश्ड। थैंक यू क्लास।